हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर विरल कुमार शिलू एंड आई सिंसियरली वेलकम ऑल यू पीपल इन माय चैनल नेम्ड विरल शिलू। वी द फैमिली मेंबर्स आर हियर फॉर वन मोर वीडियो इन माय चैनल अगेन नेम्ड विरल शिलू। हम लोगों ने आज की थीम जो डिसाइड की है वो है गुड बाय 2020। लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ द ईयर व्हिच वेंट बाय। जो ईयर चला गया है उसमें क्या खोया है, क्या पाया है और ओवरऑल कैसा रहा, उसकी बात मैं श्रीद्यान और काश्मीरा वी जस्ट वांटेड टू शेयर इट विद ऑल यू पीपल हाउ एग्जैक्टली द ईयर 2020 वेंट बाय। सो लेट्स स्टार्ट विद द श्रीद्यान। श्रीद्यान, आपका ईयर 2020 कैसा रहा? मेरा 2020 ईयर अच्छा भी रहा और नहीं भी अच्छा। क्यों? पेंडेमिक आया था इसलिए मैं घर से बाहर निकलने के लिए मना कर रहा था। आई जस्ट इंसिस्टेड यू पीपल जस्ट स्टे इनसाइड द होम ओनली। उसकी और कोई वजह नहीं थी। ओके, इसलिए अच्छा नहीं रहा। लेकिन वो तो थोड़े दिन के लिए था श्रीद्यान। मेरा घर में खेल खेल के बोर हो रहा है। मतलब घर से बाहर नहीं गए वो पार्ट अच्छा नहीं रहा। और अच्छा पार्ट कौन सा रहा? वो तो मेरे ख्याल से अभी भी होती है। ओके, और स्कूल को लेके कुछ नहीं कहना चाहोगे? स्कूल में वर्क पापा कहते थे, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ही करते थे, बहुत नहीं करते। तो पूरे साल में मतलब ऐसे इज जस्ट ट्राइंग टू से कि इतना वर्क नहीं किया, एजुकेशन फ्रंट पर इतनी खास प्रोग्रेस नहीं की, राइट श्रीद्यान? यस। और इसलिए बहुत अच्छा रहा। उसे अच्छा नहीं कहते। ओके, कोई बात नहीं। काश्मीरा, हाउ वाज योर ईयर 2020? आपका 2020 ईयर कैसा रहा? मेरे पार्ट पे तो इतना कुछ खास नहीं है। ओके, और लेकिन हाँ, एक बात है 2020 की मेरे लिए जो सबसे खास है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस, वी जेन्युइनली अप्रिशिएट द न्यू बिगिनिंग ऑफ योर यूट्यूब चैनल इन द ईयर 2020। और वैसे काश्मीरा की बात भी बहुत सही है। इट्स नॉट ओनली फॉर काश्मीरा बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द लाइक आई मीन वुमेन हु आर जस्ट आई मीन मैनेजिंग देयर होम्स, वो तो 2020 में भी किचन मैनेजमेंट ही कर रहे थे और 2019 में भी किचन मैनेजमेंट कर रहे थे और मेरे ख्याल से 2021 में ही like they'll be busy preparing dishes for their family. Yes, that's true. So for her there is no much more changes. Shridhyan ke liye khas karke jo part starting phase tha wo bata raha tha just before few minutes ki wo itna acha nahi tha kyunki like kids got bored staying inside the home only. Lekin mere khayal se wo phase to 15-20 din ya hardly 1 month hi raha hoga. Uske baad he really enjoyed. In fact, he has been enjoying till this moment, क्योंकि स्कूल नहीं जाना है, घर पे इतना ज्यादा वर्क भी नहीं करना है, as he said, बहुत लेट तक जागना है, बहुत लेट तक सोना है मॉर्निंग में भी, तो मेरे ख्याल से he is much happy in a way with regard to the year which went by. तो हम लोगों का तो आपने सुना, आपका कैसा रहा 2020? Yes, वैसे 2020 years में वैसे तो अच्छा ही रहा मेरे ख्याल से, लेकिन आई लर्न फ्यू न्यू वर्ड्स। मेरे ख्याल से सिर्फ मैंने नहीं, काफी लोगों ने ये न्यू वर्ड्स सीखे। पहला तो पैंडेमिक, अब तक हम लोग मतलब पैंडेमिक वर्ड इतना ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन फॉर लास्ट 8-10 मंथ्स वी हैव बीन जस्ट यूजिंग दिस वर्ड पैंडेमिक। सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा वर्ड मतलब एग्जिस्ट तो होगा ही, लेकिन उसका रियल सेंस क्या है, दैट्स समथिंग व्हाट आई जस्ट हैव लर्न्ड इन दिस 2020। मास्क, मुझे मतलब इतना मास्क पहले था, वर्ड जानता था, लेकिन उसका रियल यूज मतलब थोड़े महीने में ही पता चला कि मास्क पहनना वाकई में बहुत जरूरी है, दैट रियली प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम अनवांटेड वायरसेस। और खास करके एजुकेशन साइड के एजुकेशनल फ्रंट पर देखा जाए तो वेबिनार्स, आई थिंक दैट्स द न्यू वर्ड
which most of the academicians have been just, following, using, implementing, and in real sense living in last 8 to 10 months. Webinars, मेरे ख्याल से मैंने बहुत अटेंड किए. देर वेर स्पेशल ड्यू ट्रेनिंग्स ऑल्सो, वो भी मैंने बहुत लंबी ट्रेनिंग थी, मतलब काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ लर्न करने को मिला. तो ऑल इन ऑल इट वॉज लाइक एवरीथिंग वॉज ऑनलाइन. तो एक वर्ड ये भी सीखा कि ऑनलाइन वर्ड तो वैसे सबको पता था पहले से, लेकिन रियल सेंस में ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, उसके क्या चैलेंजेस है, उसके क्या बेनिफिट्स है, वो सारे मतलब वी केप्ट एक्सपेरिमेंटिंग इन अ वे. और मतलब एवरीथिंग वॉज डिजिटलाइज. सो ये सारी बातें रियल सेंस में जो अब तक मतलब दोज वेयर देयर ऑन द पेजेस ऑफ द बुक्स ओनली, बुक्स के पन्नों पर थी, वो रियल सेंस में मेरे ख्याल से लास्ट 8 to 10 months में रियल सेंस में मतलब पता चला कि ये सब क्या बात है. श्रीध्यान, वैसे तो मतलब मजा ही आया, देर वॉजंट एनीथिंग स्पेशल. कॉलेज बिल्कुल खाली थी, स्टूडेंट्स मतलब अभी भी इतने ज्यादा नहीं आ रहे हैं. और एज आई से, मैं जब जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया कि देर वॉज लॉट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, जो मतलब ट्रेनिंग रही और ऑनलाइन जो मतलब क्लासेस रहे, खास करके जो वेबिनार्स रहे, उसमें से काफी कुछ मतलब ऐसे सीखने को मिला. दैट वॉज द बेस्ट थिंग व्हाट आई जस्ट आई मीन लाइक हाँ. लेकिन वो नॉर्मल मतलब फेज रहता है एजुकेशन का, खास करके एकेडमिक जो फेज रहता है, इट वॉज लिटल डिफरेंट. बट स्टिल आई मीन एज अ ह्यूमन आई थिंक आई गॉट एडजस्टेड विद दिस थिंग्स, एंड वो मतलब ऐसे एंजॉय किया. और खैर 2020 पूरे होने में मेरे ख्याल से अभी कुछ मिनट्स ही बाकी है. सो वो मिनट्स ही बोलते हैं ना बेटा. और खास करके आपका क्या प्लान है कश्मीरा 2021 के लिए? मैंने तो बहुत कुछ सोच के रहा है, जैसे कि यस मैं YouTube पर सबके लिए मतलब कि फैमिली मेंबर्स के लिए मस्त मस्त डिशेस बनाऊंगी, और भी बहुत कुछ वीडियोस मतलब कि बनाने का सोच के रखा है. तो बस ओके, टू मेन प्लानिंग है. एक तो बहुत सारी अच्छी अच्छी डिशेस बना दी आप बनाते हो, बहुत अच्छी सारी डिशेस, तो वो प्लानिंग तो मतलब कंटिन्यू होगा. और यस, यूट्यूब में आपके मेरे ख्याल से अभी 5-7 वीडियोस आ गए हैं. सो इवन आई वांट कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो शूट करो और बहुत अच्छी वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल में शेयर. और वैसे आप पूरा दिन मस्ती करते रहे तो मुझे पता है एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं, मतलब पढ़ाई के नाम पे कुछ नहीं श्रीध्यान, और मस्ती के नाम पे 100 टिंग टिंग. कहो ना पापा, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई क्या करते रहते हो. चलो ठीक है. और श्रीध्यान, कश्मीरा आप दोनों को कुछ कहना है? ओके फाइन, तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं. हमारी ओर श्रीध्यान कमोन यार, हमारी ओर से आप सभी को विशिंग यू अ वेरी हैप्पी 2021 ईयर, एंड लेट्स प्रे टू गॉड. भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस फेज में से हम लोग बहुत जल्दी बाहर निकल जाए. वैसे तो मेरे ख्याल से अभी लोग घूमने लगे, लेकिन फिर भी बहुत ही नॉर्मल फेज आ जाए, एंड एवरीवन वुड जस्ट हैव स्टार्ट लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाइफ. सो विद दिस पॉजिटिव नोट, लेट मी जस्ट पुट एन एंड टू दिस वीडियो. हमारी ओर से आप सबको वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्रीध्यान बाय बाय, थैंक यू.